Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA, and Canada. Let's learn and earn from your home. तो इसमें आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो बेसिकली आपने अपने किसी रिलेटिव का यूज करना है वो प्लीज यूज कीजिए जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए किसी की मदद जिसके लिए आपको सिर्फ डिपॉजिट मेथड चाहिए क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जिससे ये अकाउंट की डिडक्शन होगी शुरू में सबसे पहले डिडक्शन ही वो बेसिकली आपकी आइडेंटिफाई करता है डिपॉजिट को होल्ड करने के लिए तो इसके बेसिकली मेथड ये है अदर फर्स्ट ऑफ ऑल की HSBC बैंक अकाउंट है ये बेसिकली अलाउ करता है समटाइम्स आस्क योर यूएस HSBC बैंक आपने बैंक अकाउंट कैसे ओपन करना है आप और सेकेंडली इसमें ये है कि करेंसी एक्सचेंज जो सर्विसेज हैं लाइक वर्ल्ड फर्स्ट और पायनर तो पायनर जो बेसिकली ये सर्विसेज है ये क्या करते हैं आप लेट मी ओपन इट एज वेल सो हम इसको साइड बाय साइड देखते हैं पायनर क्या है कि ये करेंसी एक्सचेंज सर्विस है ये आपको क्या करता है कि आप इसमें अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो इसमें आपने वही एड्रेस देना है जो कि आपने या तो अपने जो रिलेटिव का एड्रेस था जब अकाउंट क्रिएट करते हुए या वही देना है जो आपने यूएस मेल वन या आपने अर्थ क्लास मेल से बाय किया था सो मेक श्योर कीजिएगा आप वही एड्रेस दें यहाँ पे जब आप पायनर पे सेटअप करें और पायनर ये है कि यहाँ पे आपकी पेमेंट आएगी और यहाँ से पेमेंट आप विड्रॉ करेंगे पाकिस्तान के अपने किसी लोकल बैंक से जो कि UBL हो सकता है कोई भी बैंक हो सकता है ये बेसिकली आपकी ये आपके अकाउंट अमेजोन से कनेक्ट होगा और जब कनेक्ट होगा तो ये अमेजोन पायनर को पे करेगा और पायनर विदड्रॉ करेंगे आप अपने अकाउंट से जो कि पाकिस्तान के किसी भी लोकल बैंक से आप विदड्रॉ कर सकते हैं जो भी डॉलर का करंट एक्सचेंज चल रहा होगा सो बेसिकली इसमें साइन अप करते हुए आपने वो एड्रेस देना है जो कि आपकी आपने या तो अर्थ क्लास मेल से बाई किया है US मेल वन से बाई किया है या आपका रिलेटिव आपको दे रहा है जो सो बेसिकली वो एड्रेस आपने साइन अप के लिए पायनर में करना है इसको मैं क्यों कह रहा हूँ इसलिए कि अमेजोन कल को आपसे पूछ सकता है वेरिफिकेशन के लिए कि अपनी बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करें सो बेसिकली ये आपका बैंक अकाउंट है तो आप पायनर से बैंक डिटेल्स बैंक स्टेटमेंट PDF फाइल की शक्ल में आप एक्सपोर्ट कर लेंगे और वो अमेजोन को प्रोवाइड करेंगे और अमेजोन उस एड्रेस से मैच करेगा जो कि आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए दिया था और वो एड्रेस बेसिकली वही जो तीन ऑप्शंस आपको दिए हैं उसमें से आप बेसिकली क्रिएट कर सकते हैं राइट नाम कौन से यूज करने हैं अपना नाम भी कर सकते हैं अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं या आप बेसिकली उस पे भी यूज कर सकते हैं जो आपका हेल्प कर रहा है फ्रेंड राइट जी नया पायनियर अकाउंट बनाना है डेफिनेटली बेसिक अगर आपके पास ऑलरेडी है आई डोंट नो क्या आपके पास ऑलरेडी है या नहीं बट नया बनाना है और पायनर रिक्वायर्स आईडी कार्ड सो डेफिनेटली आईडी कार्ड में आप अपना पासपोर्ट दें मेक श्योर कीजिएगा इसको स्कैन इसी तरह करें कि जब आप पायनर बेसिकली सिर्फ सिर्फ आपसे आपका आईडी मांगता है तो आपने अपना पासपोर्ट स्कैन करना है पाकिस्तानी पासपोर्ट तो वो आपने बेसिकली इसको प्रोवाइड करना है वेरिफिकेशन के लिए आपकी आइडेंटिटी के लिए राइट पायनर में अगर हम वो एड्रेस करेंगे तो हम कार्ड कैसे रिसीव करेंगे बल्कि आपको कार्ड जो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है पायनर की तरफ से राइट एड्रेस के साथ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं अर्थ मेल वाले एड्रेस तो वर्चुअल एड्रेस होगा ना आपकी कोई भी मेल वहां पे रिसीव हो सकती है या कोई भी चीज बेसिकली आपकी अगर आप उस एड्रेस पे भेजना चाहते हैं वहां पे जा सकती है तो वी आर यूजिंग अर्थ मेल जस्ट फॉर दीज वेरिफिकेशन पर्पज आपको कोई मेल की जरूरत नहीं है और कोई डॉक्यूमेंट मतलब प्रोवाइड उनसे क्या लेना आपने कि प्रूफ के मेरा यहाँ पे अकाउंट है आपको किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है कि ये अर्थ मेल से लिया आपने अमेजोन भी आपसे नहीं पूछ रहा कि ये कहाँ से लिया राइट ऑलरेडी पॉइंटर है पाकिस्तान के एड्रेस पे वो नहीं चलेगा नहीं भाई पाकिस्तान का एड्रेस ना दें इसलिए आपको तीन ऑप्शन बताई अर्थ मेल से लें एड्रेस US मेल वन से लें या अपने रिलेटिव से लें राइट इन तीन ऑप्शन में से आपने चूज करना है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है राइट अगर कोई फ्रेंड US में है और उसके पास ऑलरेडी अमेजोन अकाउंट है तो क्या हम यूज कर सकते हैं जी भाई ये कर सकते हैं अगर आपको दे सकता है डेफिनेटली बट मेक श्योर कीजिएगा कि आप VPN के साथ यूज करें
कार्ड भी है बट पाकिस्तानी एड्रेस है. आई हाईली रिकमेंड कि अगर पाकिस्तानी एड्रेस है तो प्लीज इसको नहीं यूज करें, क्योंकि अमेजोन कल को जब आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगेगा तो आपकी बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तानी एड्रेस से निकलेगी. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पाकिस्तान का नाम कहीं भी मेंशन नहीं करें, सिर्फ और सिर्फ आप कोई एड्रेस यूज करें जो कि उन कंट्रीज में आपको मैंने दिखाया था. अदरवाइज अमेजोन पाकिस्तान का नाम सुनते ही अकाउंट सस्पेंड कर देगा. इसमें बैंक डिटेल्स भी पाइनियर में देनी पड़ती है भाई. हसन भाई, इसमें यह है कि जब आपने अकाउंट विदड्रॉ करनी है पाइनियर से, क्योंकि अमेजोन पाइनियर को पे करेगा और आप इसके थ्रू जब विदड्रॉ करेंगे तो वो आपको आपके लोकल बैंक डिटेल्स आपसे मांगेगा. तो आपने लोकल बैंक डिटेल्स देनी है ताकि आप वहां से पैसे निकाल सके. अगर एड्रेस यूएस का देना है पाइनियर पे, देन हम अपना आईडी कार्ड कैसे दे सकते हैं? भाई यूएस में पाकिस्तानी पासपोर्ट का बंदा नहीं रह सकता. आपका अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट है राइट, और आप अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसमें क्या इशू है? मतलब आई एम एक्चुअली आंसरिंग टू वायरस. अगर एड्रेस यूएस का देना है पाइनियर पे, देन हम अपना आईडी कार्ड कैसे यूज कर सकते हैं? आईडी कार्ड इसलिए कि आप इस टाइम अमेरिका में मौजूद हैं, अमेरिका के एड्रेस पे, और अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूज करें. फॉर एग्जांपल अगर मैं यूके पे हूँ और मैं यूके में पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ, तो क्या मैं यूके का एड्रेस नहीं यूज कर सकता? डेफिनेटली कर सकता हूँ राइट. इफ यू आर यूजिंग वर्चुअल एड्रेस ऑफ पाइनियर, देन व्हाट आईडी और पासपोर्ट वी यूज? पासपोर्ट अपने ही यूज करें भाई, अनटिल एंड अनलेस कि आप सब कुछ अपने रिलेटिव के नाम पे कर रहे हैं. लेकिन इसमें अगर आप अपने नाम पे बना रहे हैं तो आप अपना यूज करें. हर चीज जाहिर भाई, हर चीज, हर काम करते हुए आपने वीपीएन कनेक्ट रखना है. जब भी आपने अमेजोन का नाम आपके जेन में आए, अमेजोन से रिलेटेड कोई भी चीज आए, वीपीएन आपका कनेक्ट हो. ये प्लीज गलती मत कीजिएगा, और मेरा भी हर वक्त कनेक्ट रहता है. बट अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट देते हैं तो एड्रेस तो यूएस को होगा, वो इशू नहीं है. नहीं भाई हसीब भाई, वो इशू नहीं है. सेम जैसा कि मैंने बताया कि आप पाकिस्तानी पासपोर्ट में अमेरिका में नहीं रह सकते हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर अमेरिका का वीजा लग सकता है ना, तो आप वहां रह सकते हैं, तो इसलिए कोई इशू नहीं. तलहा को समझ आ गई है. और हसन कह रहे हैं डिटेल्स अपनी देनी है सारी, आईडी कार्ड, ये आप पे डिपेंड करता है. अपनी भी दे सकते हैं अगर आपने किसी की देनी है जो कि आपका रिलेटिव आपकी हेल्प करना चाहता है वो भी. पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए उसका कोई सलूशन नहीं है भाई. उसमें यह कि पाइनियर आपको कहेगा कि आप पासपोर्ट या आपकी आईडी एक्सपायर हो गई है, प्लीज प्रोवाइड द अपडेटेड वन, दैट्स इट राइट. पाइनियर में अगर हम वो एड्रेस करेंगे तो हम कार्ड कैसे रिसीव, कार्ड रिसीव करने की जरूरत नहीं, वो आपको ऑनलाइन एक्सेस देगा डेबिट कार्ड की, जो कि आप बेसिकली यूज कर सकते हैं. वीपीएन शील्ड इज पेड और फ्री? सर पेड है सर ये. अगर पाइनियर ऑलरेडी बना हुआ है तो दूसरे यूएस की एड्रेस, तो क्या पाइनियर अप्रूव करेगा यूएस की एड्रेस पे अगर अपना पासपोर्ट दें तो? गुड क्वेश्चन मोहम्मद अली. वेल आई थिंक इट शुड डू बेसिकली, क्योंकि आप डिफरेंट अकाउंट से बना रहे हैं. बट लेट्स ट्राई, बिकॉज ऐसा सिनेरियो मैंने कभी देखा नहीं कि दो अकाउंट बने. बट आई विल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मतलब दे विल आस्क फॉर फर्दर डिटेल्स. लेट मी नो कि हाउ यू गेट ऑन अगर आप, बट आई हाईली रिकमेंड कि यूएस एड्रेस से ही बनाएं. एड्रेस इज गिवन ऑस्ट्रेलिया, यार बेसिकली आईफोन एक्स भाई. इफ एड्रेस इज गिवन ऑफ ऑस्ट्रेलिया देन वी मस्ट यूज वीपीएन. मतलब अगर आपने ये, इट डजेंट मैटर आप एड्रेस ऑस्ट्रेलिया, इटली, यूएस का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप अमेजोन को एक्सेस कर रहे हैं या किसी और चीज को एक्सेस कर रहे हैं जो अमेजोन से रिलेटेड है, वो आपने वीपीएन के थ्रू ही करनी है. वो आप किसी भी कंट्री जो कि उन कंट्री की लिस्ट में आपको दिखाया है उनमें से कीजिएगा प्लीज. जिनका पासपोर्ट नहीं है वो क्या करें? वो पासपोर्ट बनवा लें. अब्दुल्ला भाई, लुकमान, पाइनियर के लिए वीपीएन भी यूज करें? हर चीज के लिए वीपीएन भाई. मेरा पाइनियर बना हुआ है पाकिस्तानी एड्रेस के साथ, इसका क्या सलूशन? आई डोंट रिकमेंड कि आप पाकिस्तानी एड्रेस के साथ यूज करें. आई हाईली रिकमेंड कि आप यूएस एड्रेस के साथ, अगर आपने इन चीजों को आगे जाके हैसल अवॉइड करनी है. वीपीएन इज सेफ? हाँ मैं यूज तो कर रहा हूँ वीपीएन, लास्ट 5 सालों से कोई इशू नहीं हुआ. बट कुछ लोग जस्ट वीपीएस भी यूज कर रहे हैं, और डिपेंड्स कि आपकी कॉस्ट क्या है. बट इन टर्म्स ऑफ सेफ पर्सपेक्टिव, मैं 5 साल से वीपीएन यूज किया है, मुझे कोई इशू नहीं है अब तक. लुकमान अजीज, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्वीडन, जी वो लिस्ट में है, आप यूज कर सकते हैं. आईडी कार्ड से भी वेरिफिकेशन हो जाती है. आई रिकमेंड कि आप पासपोर्ट दें. आईडी कार्ड में ये कुछ आईडी कार्ड कई दफा नहीं एक्सेप्ट होते, इसलिए पासपोर्ट की अच्छी सी स्कैन करके दें. पासपोर्ट की जगह आईडी कार्ड, मैं रिकमेंड करूंगा पासपोर्ट ही दें, आईडी कार्ड ना दें आप.
कैन वी यूज जेन मेट ऑल्सो? हाँ ये भी मतलब वट एवर ना, मतलब उसकी ऑल्टरनेटिव है एज लॉन्ग एज के वो आप इट वर्क्स फॉर यू राइट. लेट्स मूव ऑन गाइस, मे बी अब क्वेश्चन लेते रहते हैं आस्ता आस्ता राइट. अच्छा इसमें जैसे ये कुछ मैंने स्क्रीन शॉट दिए हुए हैं कि हम वर्ल्ड फर्स्ट का अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे. मतलब इसमें आपने ये कि फॉर यू है, फॉर बिजनेस, फॉर ऑनलाइन सेलर्स, आपने यहाँ पे ऑनलाइन सेलर सेलेक्ट करना है क्योंकि आप अगर वर्ल्ड फर्स्ट पे बना रहे हैं, अगर आप पाइनियर नहीं यूज कर रहे तो आप वर्ल्ड फर्स्ट पे कहते हैं यार मैं पाइनियर. वर्ल्ड फर्स्ट भी वही है जो कि पाइनियर है, इसी तरह ये भी वही है. अगर आपको अल्लाह ना करे पाइनियर पे कोई इशू आता है तो आप वर्ल्ड फर्स्ट पे चले जाएं. दो ऑप्शन है, वर्ल्ड फर्स्ट भी यही करता है जो पाइनियर करता है और ये भी एक्सेप्ट होता है. तो इसमें दो टू ऑप्शन है. कुछ लोग मैं जानता हूँ जिनको जो कि वर्ल्ड फर्स्ट यूज कर रहे हैं उनको पाइनियर का पता ही नहीं है, तो इसलिए आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं जो भी आपको बेटर लगे. मैं तो ये रिकमेंड करूंगा स्टार्ट फ्रॉम बोथ एंड सी के किस में स्मूथ प्रोसेस होता है एंड देन वी वर्क टुगेदर टू मेक श्योर कि आपका स्मूथ प्रोसेस हो. एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू एज वेल राइट. एंड यूज दिस ओनली इफ यू डू नॉट हैव बैंक अकाउंट इन अमेज़न अप्रूव्ड कंट्री राइट. सो बेसिकली आई कीप मेंशनिंग दिस कि अगर तो आपको आपका रिलेटिव, ये उन सूरत में ये सब कुछ करने की जरूरत है अगर आपका कोई रिलेटिव बैंक अकाउंट यूज करने नहीं दे रहा जो कि बाहर के कंट्रीज उन कंट्रीज में नहीं है राइट. अच्छा ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये आप बेसिकली मैं आपको जब ये मॉड्यूल वन की स्लाइड दूंगा तो आप ये देखिएगा कि क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करनी है वर्ल्ड फर्स्ट के लिए. इसी है जैसा कि मैंने अभी कहा कि रिमेम्बर इफ यू फेस एनी इश्यू इन वर्ल्ड फर्स्ट देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू चेंज एंड पाइनियर इज अनदर ऑप्शन. सो इसमें यह है कि नेवर बी डिसअपॉइंटेड, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे. सो इसमें आपने जैसा कि मैंने अभी कहा था आपको अपनी स्टार्ट करने से प्रेजेंटेशन कि देयर इज नो प्लान बी राइट. सो आप लोगों ने अपना माइंड सेट ये रखना है कि कोई प्लान भी नहीं है, नो मैटर वट मैंने ये करके रहना है. तो इसमें माइंड सेट बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हैसल, हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हैसल जरूर आती है और उसमें इश्यूज आते हैं. कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं है जो कि बड़ी स्मूथ हो. तो इसमें प्लीज आपने गिव अप नहीं करना और ये नहीं कहना है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है. तो इसमें वेरी डिसअपॉइंटमेंट होगी कि अगर आप इसको गिव अप करेंगे. तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ महीने शुरू के डिटरमिनेंट रहना है और इसमें आपने काफी हार्ड वर्क करना है शुरू के कुछ मंथ्स और फिर आपने यू विल सी द रिजल्ट्स व्हिच आई एक्चुअली डिड शो यू. उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा. जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं. मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते. अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रहे हैं तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए. अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं. उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं. मेक श्योर कि आपको एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करें. आप हमारा ऑनलाइन क्विज क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.